हेलो बच्चों, क्या हाल है आपके। और ये वीडियो PWD वाले बच्चों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। और खैर, मुझे लगता है कि वीडियो मुझे काउंसलिंग के बाद डालना चाहिए था, लेकिन फिर भी मुझे लगा कि ये इतना इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो कि मुझे अभी मेंशन कर देना चाहिए, ताकि आपके दिमाग में एक चीज़ ज़रूर बनी रहे। अब वो चीज़ क्या है, तो एक बार ज़रा ध्यान से सुनना। देखो बेटा, ऐसा है कि लास्ट ईयर 2023 के अंदर जम्मू एंड कश्मीर के अंदर दो बच्चे पकड़े गए। और कहाँ पकड़े गए ज़रा मैं बता रहा हूँ, टोटल इस बात को सुन लेना। PWD के दो बच्चे पकड़े गए। इवन वो PWD रिजर्वेशन चाहते थे और एक्चुअली में वो डिसेबल नहीं थे, या उनमें से एक बच्चे की डिसेबिलिटी ऐसी थी कि उसे आराम से सर्जिकल प्रोसीजर से या ऑपरेशन से या ठीक किया जा सकता था, ठीक है। ऐसा डॉक्टर्स का कहना था, जिन्होंने उसको कैंसिल आउट किया बाद में, ठीक है। अब मैं बच्चों का नाम नहीं बताऊंगा, क्योंकि बेटा किसी की पर्सनल आइडेंटिटी को रिवील करना अच्छी बात नहीं है। आई थिंक अगर आप जम्मू कश्मीर के बच्चे हैं तो शायद लास्ट ईयर के केस को जानते होंगे, उसमें एक लड़की है और एक लड़का। अब बेटा हुआ क्या है कि उन्होंने काउंसलिंग प्रोसेस में भाग लिया, उन्होंने किसी तरीके से अपने आप को वेरीफाइड करवा लिया और उन्होंने PWD सर्टिफिकेट भी बनवाया हुआ था। एक 50% था और एक 55% था, हाँ यस, ठीक है। और एक टेम्पररी लड़की जो थी वो टेम्पररी लोकोमोटर डिसेबिलिटी, एंड लड़का जो था वो परमानेंट लोकोमोटर डिसेबिलिटी, उसका मतलब उसका जो कैटेगरी था। अब क्या होता है कि कॉलेज के अंदर जब वो एडमिशन लेने जाते हैं, दैट टाइम उस टाइम पर बच्चों का दोबारा से एक बार वेरिफिकेशन होता है, मतलब दोबारा से उनको फिजिकली टेस्ट किया जाता है। और वहाँ पर ये बात पता चलती है कि उनका जो PWD सर्टिफिकेट था वो फॉल्स था, ठीक। अब इसमें इम्पॉर्टेंट बात क्या है, इम्पॉर्टेंट बात ये है कि बच्चों, मैं ये नहीं बोल रहा कि आप किसी अनफेयर मीन का यूज़ करके आगे बढ़ें, लेकिन फिर भी हम में से कई PWD बच्चे इस तरीके के होते हैं कि उनकी डिसेबिलिटी सामने नज़र नहीं आती, लेकिन वो एक्चुअली डिसेबल होते हैं, ठीक है। ब्लड रिलेटेड डिसीजेज के अंदर ऐसा होता है, और बेटा लोकोमोटर डिसेबिलिटी में भी बहुत बार ऐसा दिखाई देता है कि बच्चा डिसेबल नहीं दिखाई देता। तो उसके बाद अगर उस पर शक हो जाए और डॉक्टर्स अपना मन ही बना लें, तो भी कई बार अन्याय हो सकता है। बिकॉज जब रीवेरिफिकेशन होती है, PWD सर्टिफिकेट बनता है, तो रियल कैंडिडेट्स को भी रिजेक्ट कर बाहर कर देते हैं, ठीक है। और जबकि अगर आपको कार्रवाई करनी है, तो उन बच्चों के खिलाफ गुस्सा ना निकाल कर आप उन गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, उन डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स और उसमें बैठे डॉक्टर्स पर वो गुस्सा निकालें कि किस तरीके से ये सर्टिफिकेट्स आप बच्चों को इशू कर देते हैं अगर वो डिसेबल नहीं है तो, ठीक है। अगर वहाँ फर्स्ट स्टेप के अंदर ही ये चीज़ आप रोक लेंगे, तो फिर बच्चा इस तरह की उम्मीदें पालेगा ही क्यों। मैं मानता हूँ कि कुछ जगह पर गलत काम ज़रूर होते होंगे, ठीक है, लेकिन क्या सारे बच्चे यही काम कर अपना सर्टिफिकेट बनाते हैं, ये भी तो गलत है, ये भी झूठ है। तो बच्चों को जब आप सवाल करते हो, उनको जब आप कटघरे में खड़े कर देते हो और उन्हें इस बेसिस पर कैंसिल या रिजेक्ट या सिलेक्ट करते हो, तो आप उन डॉक्टर्स को, उस हॉस्पिटल को क्यों नहीं चैलेंज करते जो कि खुद भी डॉक्टर्स ही हैं आप ही की तरह, और उन्होंने भी सर्टिफिकेट इशू कर दिया जैसे आप कर दे रहे हैं, ठीक है। या तो आप ज़्यादा एलिजिबल हैं, या वो कम एलिजिबल थे, या वो अगर आप उन्हें फ्रॉडस्टर बोल सकते हैं, अगर मतलब ऐसा अगर आप शब्द यूज़ कर रहे हैं, तो अगर वो फ्रॉड है, तो फिर बच्चों की गलती इसके अंदर है ही क्या। तो जब करप्शन को अगर आप बाहर ही करना चाहते हो और PWD बच्चों की आप लेयर बाय लेयर बार बार चेक करते हो, जैसे कि सबसे पहले तो उसके पास एक वैलिड सर्टिफिकेट हो, देन वो दोबारा से वेरिफिकेशन कराने NTA सेंटर जाए, अपने स्टेट सेंटर जाए, उसके बाद कॉलेज में फिर से उसको चेक कर लेते हो अगर उसके ऊपर शक होता है, तो दैट इज़ मीन कि PWD बच्चों के साथ जो हो रहा है
देखो मैं ये नहीं कहता कि आप चेक मत करो, आप बार बार चेक करो, 10 बार चेक करो, सेमेस्टर बाय सेमेस्टर चेक करते रहो, ठीक है। मतलब आप एक गलत बच्चे को पीडब्ल्यूडी रिजर्वेशन वाली सीट नहीं देना चाहते। एक एमबीबीएस की सीट इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप एक वैसे बच्चे को जो कि डिजर्व नहीं करता उसको वो सीट नहीं देना चाहते, ठीक है, दैट्स ऑल। बिल्कुल ये एकदम फेयर पॉइंट है, मैं इसे मानने को तैयार हूँ। लेकिन जो बच्चे आपने खुद देखा कि नीट में चीट कर कर आ रहे हैं, पेपर को खरीद कर सॉल्व कर रहे हैं, और भी कई तरह के अनफेयर मीन है जो उन्होंने यूज़ किए, ठीक है, और ग्रेस मार्क कई बच्चों को इस बार दिए गए, वो चीज़ें। तो आप एक बात बताओ, क्या जब टॉपर जो बच्चे होते हैं 650 वाले, 650 प्लस वाले, 640 वाले, 600 प्लस वाले बच्चे, उन बच्चों का भी कोई रीवेरिफिकेशन कराते हो क्या? क्या आपके अगर उन बच्चों के नंबर एग्ज़ाम के बाद, नीट के बाद सेमेस्टर्स में कम आते हैं तो आप उनके ऊपर शक करते हो क्या? या एक बार उनको उनकी एकेडमिक परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए, या सच में वो इतने नंबर ला सकता नहीं ला सकता, कोई वाइवा कोई पैनल बिठाते हो क्या? कोई जांच होती है क्या? मैंने तो आज तक सुना नहीं। तो शक की सुई सिर्फ और सिर्फ डिसेबल बच्चों की तरफ ही घूमती है जिनके लिए वैसे भी 5% सीट रिजर्व है। मैं तो फिर भी इस पक्ष में हूँ कि जो गलत करता है आप उसे बाहर कीजिए, लेकिन आप सिर्फ और सिर्फ उस बच्चे पर कार्रवाई ना कीजिए, उसके साथ साथ आप उस डॉक्टर पर भी कार्रवाई कर लीजिए ना जिसने वो सर्टिफिकेट उसे बना कर दिया था, ठीक है। तो बच्चों मैं आपके लिए ये वीडियो मैंने इसलिए बनाया है, मैं ज़्यादा आपका टाइम कंज्यूम नहीं करना चाहता, खैर इसके ऊपर बहुत लंबी चौड़ी बातें हो सकती हैं, कि आप एडमिशन के बाद, वेरिफिकेशन के बाद रिलैक्स मत हो जाना, और अपनी क्लास के अंदर जहाँ भी आपको कॉलेज में एडमिशन मिले वहाँ पर आप बेटा बहुत ज़्यादा एबल बनकर दिखाने की कोशिश मत करना अपने शुरुआती टाइम में। अगर आपकी कंडीशन इस तरह की है कि आपकी डिसेबिलिटी शो नहीं होती तो कोई बात नहीं, उस कंडीशन में आपको अपनी डिसेबिलिटी शो कर देनी चाहिए, जैसे आपको बता देना चाहिए कि आई एम वीक इन दिस सेक्शन ऑफ फिजिकल एबिलिटी, मैं ये नहीं कर सकता। तो वो चीज़ें आप मेंशन करके रखें ताकि आपके ऊपर वो शक की सुई ना घूमे, ठीक है। तो बस यही मेरी वार्निंग आपके लिए थी, वार्निंग कह लो, इंस्ट्रक्शन कह लो, या एक सलाह कह लो, आपके वेलविशर के लिए, वेलविशर के रूप में आपके आपके लिए एक सलाह देख लो कि बेटा अपनी वो चीज़ें जो आप टेस्ट के ड्यूरेशन गए थे, फिजिकल वेरिफिकेशन के ड्यूरेशन आप गए थे चेक करवाने या जाएंगे, वही तरीका आपको वहाँ भी प्ले करना है, मतलब फेयर प्ले रहना है भाई, ठीक है। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपके साथ वो सारा ट्रॉमा होकर गुजरे जो कि गुजरा है। बहुत पहले एक लड़की का केस था, उसको ज़्यादा बात नहीं फैली थी, खैर पीडब्ल्यूडी के इस केस की बात भी बहुत ज़्यादा नहीं फैली, शायद कुछ कश्मीर के बच्चे ही इस बारे में जानते हों, लेकिन मुझे लगा कि आपको बताना चाहिए तो मैंने बता दिया, लेकिन ज़्यादा डिटेल्स में उनके बारे में नहीं बताना चाहता, बट दैट इज़ इट है, आप समझ लीजिए, ठीक है। एंड अगर इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, आप अपने क्वेश्चंस नीचे पुटअप कर सकते हैं, और बच्चों की आइडेंटिटी मैं रिवील नहीं करूँगा बच्चों, ठीक है। और अखबार के अंदर बहुत बड़ी न्यूज़ छपी थी भाई जम्मू एंड कश्मीर में इस बात के लिए, ठीक है। और ठीक है बेटा, वीडियो को यहीं अंत करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो वेरी मच।